आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। स्वागत है आप सभी का जागो छत्तीसगढ़ में। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन का आगाज करते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है और आज राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन का अभिभाषण होगा। अनुपूरक बजट पेश करेंगे सीएम विष्णुदेव साय। साल 2023-24 का दूसरा अनुपूरक बजट सीएम पेश करेंगे। तो सत्र का आज दूसरा दिन, आज राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन का अभिभाषण होगा और इसी के साथ अनुपूरक बजट पेश करेंगे सीएम विष्णुदेव साय। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन और राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन का आज अभिभाषण होगा और इसी के साथ अनुपूरक बजट भी सदन के पटल पर सीएम विष्णुदेव साय रखेंगे। तो दूसरा दिन बेहद अहम। इससे पहले दिन लगातार जो विधायक थे उनको शपथ ग्रहण कराया गया और शपथ ग्रहण के बाद आज दूसरा दिन बेहद अहम होने वाला है क्योंकि आज अनुपूरक बजट सदन के पटल पर रखा जाएगा। वहीं विपक्षी पार्टी कांग्रेस कई मुद्दों पर, खासकर बताया जा रहा है कि किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेर सकती है। तो पहले राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन का अभिभाषण, उसके बाद धन्यवाद प्रस्ताव और उसके बाद अनुपूरक बजट सदन के पटल पर पेश करेंगे सीएम विष्णुदेव साय। तो साल 2023-24 का दूसरा अनुपूरक बजट पेश करेंगे मुख्यमंत्री। आज बेहद ही अहम दिन विधानसभा सत्र का रहने वाला है, राज्यपाल का अभिभाषण और उसके बाद अनुपूरक बजट। वहीं कांग्रेस ने भी कमर कस रखी है। चरणदास महंत की अगुवाई में यहां पर कांग्रेस सरकार को घेरते हुए नजर आएगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज बेहद अहम दूसरा दिन, अनुपूरक बजट। आपको बता दें कि 2023-24 का दूसरा अनुपूरक बजट यहां पर मुख्यमंत्री सदन के पटल पर रखेंगे और उससे पहले राज्यपाल का अभिभाषण होगा जिसमें आने वाली वक्त में सरकार की क्या कुछ प्राथमिकताएं रहने वाली हैं उसका एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन रखेंगे और उसके बाद उनके अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव सामने आएगा। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नितिन नामदेव जुड़ रहे हैं। नितिन, विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन, अभिभाषण होगा और अभिभाषण के बाद जो मुख्य होगा वो अनुपूरक बजट होगा, क्या कुछ बड़ी बातें निकलकर सामने आ रही हैं नितिन? देखिए, निश्चित तौर पर आज छत्तीसगढ़ में विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है, शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है और 10 बजे से लगातार जो तमाम 90 विधायक हैं वो विधानसभा पहुंचेंगे और इस बार बताया जा रहा है कि पहले विधानसभा सत्र में, शीतकालीन सत्र में 10,000 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट रखा गया है जिसमें महतारी वंदन योजना है वो भी शामिल है, इसके साथ ही पीएम आवास योजना है जो 18 लाख परिवारों को पीएम आवास का पैसा पहुंचाना है वो भी शामिल है, इसके साथ ही 2 साल का जो किसानों का बोनस है जिसका वादा बीजेपी ने किया था आम जनता से, इसमें वो भी शामिल है। तो देखिए, 3 महत्वपूर्ण चीजें शामिल है जिसको लेकर लगातार 3 महत्वपूर्ण बैठकें भी होंगे इन 2 दिनों में और कल जिस प्रकार से देखा कि सभी 90 विधायकों ने जो है शपथ लेते नजर आए थे और आज जो है राज्यपाल का अभिभाषण सबसे पहले शुरू होगा, उसके बाद एक कार्य मंत्रणा की बैठक होगी, उसके बाद जो है सदन की कार्यवाही शुरू होगी। इसमें पक्ष विपक्ष को लेकर कल चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, तमाम दलों की कल विधायक दलों की कल बैठक भी हुई है। बैठक में साफ तौर पर किस प्रकार से भाजपा ने जो है तय किया है कि किस प्रकार से जो है विपक्ष के सवालों का जवाब देना है और आम जनता से जिस प्रकार से वादे किए हैं उसको किस प्रकार से पूरा करना है, इन तमाम चीजों को लेकर कल भाजपा की बैठक हुई है। वहीं विपक्ष के जो नेता प्रतिपक्ष हैं चरणदास महंत, उनके बंगले में कल बैठक हुई है और किस प्रकार से सरकार को घेरना है क्योंकि वादे ये करके आई है भाजपा सरकार और कई ऐसे वादे हैं जिससे आम जनता ने जो है भाजपा की सरकार बनाई है, तो इन तमाम विषयों को लेकर हो सकता है आज कांग्रेस भी लगातार भाजपा को घेरते नजर आए सदन में। तो देखिए, आज कई विषयों पर चर्चा भी होगी और जो 10,000 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट है उस पर भी आज सदन पर लगातार गहमा गहमी होते नजर आ सकती है। जी ठीक है नितिन, बने रहिए आप हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।